मैं एस एम राजू IAS ऑफिसर बिहार कैडर का हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैं मिरेकल ड्रिंक्स हर्बल कॉम्पाउंड्स का इन्वेंटर हूँ। सो आई एम नॉट ए डॉक्टर लेकिन इन्वेंटर हूँ, चूंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो इसलिए आई फोर्स टू बिकम इन्वेंटर ऑफ दीज हर्बल कॉम्पाउंड्स, क्योंकि हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था 1973 में। सो उस समय पर हमको 6 लाख यूनिट बेनेडोरा इंजेक्शन देता था। बाद में इसको इंक्रीज करते हुए 1981 में ये 24 लाख यूनिट हुआ, एंड ये के एक इप्स में 12 लाख यूनिट इंजेक्ट करता था डॉक्टर्स, एंड इट वाज सो पेनफुल, कभी कभी 2 बार तीसरा बार भी इंजेक्ट करता था। एंड उसी समय पर संजोग से हम बेसिकली एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हूँ साइंस का। सो एक मेडिसिनल प्लांटेशन कोर्स आया, एंड ये मेडिसिनल प्लांटेशन कोर्स जब हम कोर्स आया पढ़ने लगे, देन हमको लगा कि उस समय पर ट्रिगर हुआ हमारा माइंड में कि एलोपैथिक साइंस के अलावे दूसरा साइंस भी है। उस समय तक हमको ये भी मालूम नहीं था आयुर्वेद साइंस है, होम्योपैथिक साइंस है, इत्यादि मालूम नहीं था। एंड देन उसी का अनुसार में हमारा बॉडी पर में ट्रीट की, एंड हम ठीक हो गए। एंड एक फैशन हो गया कि इस हर्बल कॉम्पाउंड्स में कुछ ना कुछ करना है ऐसा। सो एक एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब अभी एंटी एजिंग मार्केट में है, वो डेवलप की गई, एंड उसी समय पर गैस्ट्रो सपोर्ट डेवलप की गई, एंड पूरा फ्रेंड्स वगैरह को देते थे। लेकिन जब तक मैं IAS में ज्वाइन नहीं किए, उस समय तक हमको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि हमारा इन्वेंशंस को पब्लिक को बताने के लिए। जब 91 में आए, सो पोस्टिंग हुआ 2 साल ट्रेनिंग के बाद में, देन ऑटोमेटिकली में सारे हाई प्रोफाइल जो भी पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, सबको मतलब जब इंट्रैक्शन होता था मैं बोलते थे और उन लोगों को ट्रीट करते थे और अच्छा होता था सबको मतलब। और उसका बाद में 2008 में संजोग से ऐसा हुआ कि हमारा पिताजी को किडनी फेलियर हुआ, अक्यूट रीनल फेलियर, ये पेन किलर लेने की वजह से। देन उनके ऊपर कैसा मतलब वो डायलिसिस पे जो था, डायलिसिस से मुक्त करने के लिए, वो 2008 जून का इश्यू है। सो अगेन मैं फर्दर स्टडी किए थरोली सेल बायोलॉजी, और उसके बाद में उनको सेल रीजनरेशन कैसा, जो होलोपैथिक साइंस में नहीं है, किडनी फेलियर हुआ है तो बस या डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। सो यही था। देन मैं उसको परमानेंटली कैसा मतलब उस डिसऑर्डर से मुक्त करना कर सकता है, ये हम स्टडी किए। वेरी वाइल्डली मैं सेल रीजनरेशन थेरेपी थ्रू मछली को बेक करके कैसा करना है, सर्टन हर्ब्स लगा करके, मतलब कोरिएंडरम, मतलब हरा धनिया, लहसुन, अदरक, पुदीना और हरा मिर्च, ये पेस्ट करके कैसा ये कर सकता है, ऐसा करके अल्टीमेटली सक्सेस हो गया। 1 सप्ताह का अंदर शिशु आने लगा, 2 सप्ताह के बाद में उनका जो डायलिसिस से मुक्त हो गया। और 2010 में हमारा बच्चा को जो ब्लड कैंसर अक्यूट मेलाइड ल्यूकेमिया आया, एंड ही वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन CMC वेलूर हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर का बिना ये करके उनके ऊपर भी मैं ट्रायल किए अलाइंग विद एलोपैथिक मेडिसिंस, कॉर्ड्स क्रेस उधर भी सक्सेस हुआ। सो इस तरह से इन्वेंशन का मतलब रूपरेखा मैं बोल सकता हूँ। एंड उसके बाद में मैं टॉप जो सोसाइटी का जो अपर क्रस्ट का जो मैं
जो इंटरेक्शन आता था मैं मुफ्त में दवा देते थे. इवन ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का प्रोफेसर्स, क्योंकि हेल्थ किसी को मतलब प्रॉब्लम हो सकता है. सो देन वो सबको मतलब जब उन लोग अच्छे होने लगे देन उन लोग कहा क्यों इसको आप पब्लिक को नहीं ला रहा है, क्योंकि अभी आप सिर्फ फ्रेंड्स को, अपना फैमिली मेम्बर्स को और नॉन पर्संस को इतना ही दे रहा है. सो इससे क्या होगा, आम आदमी को फायदा नहीं होगा. सो देन हमको मतलब लगा कि आई एम बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, कैसा मतलब इसको कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एनी कमर्शियली, नहीं कर सकता हूँ, मार्केटिंग में नहीं कर सकता हूँ. सो अल्टीमेटली मैं हमारा फार्मूला को, हमारा ही परिवार का 20 साल पुराना कंपनी को मैं फार्मूला दिए विद द कंडीशन दैट 50% ऑफ द प्रॉफिट जो इसमें आता है गरीब मेरिटोरियस बच्चा को. सो रेजिडेंशियल स्कूल करके गुरुकुल आश्रम कॉन्सेप्ट में 6th standard to 12th standard तक CBSE इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए कंडीशन लगा करके मैं दिए और सरकार को भी मैं इसको ये दिए. एंड गॉड्स ग्रेस भारत सरकार मतलब इसका लॉन्च भी किया और भारत सरकार और राज्य सरकार इसका फंडिंग भी किया. भारत सरकार इक्विटी के रूप में और राज्य सरकार कर्नाटक सरकार इसको जो लोन के रूप में, सॉफ्ट लोन के रूप में. सो इसलिए ये प्रोडक्ट आया पूरा मार्केट में. और दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा करियर में एज एन आईएएस ऑफिसर मैं खुशी से बोल सकता हूँ वृक्षो रक्षा रक्षितः, मैं ट्री प्लांटेशन का फैशन हूँ और उसको मैं फर्स्ट टाइम सिल्विकल्चर कल्टीवेशन का जो हाउस मॉडर्नाइजेशन की जब हम कॉलेज में थे. एंड हम लोगों बेसिकली सिल्क फार्मर्स, सिल्क एंड डायरी, एंड इसी को मैं ऐसा हाईटेक बना दिया. एंड बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अपना स्टूडेंट्स को हमारा फॉर्म में भेज करके 2 सप्ताह उधर ही रख करके स्टडी करने के लिए भी करवा रहा था लेट 80s में 90s में. एंड आज एंटायर स्टेट में जो मैं डेवलप किया सेरिकल्चर रेयरिंग हाउस वही है विथ ट्री प्लांटेशन एंड ऑल. उस जमाने में ही मैं टेम्परेचर 18 degree to 26 degree मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे करना ये किए थे. उस समय पर एक मिथ था कि हवा ज़्यादा रहे तो सिल्क वर्म्स मर जाता है ऐसा, लेकिन उसको बेस्ट वेंटिलेशन चाहिए. सो कैसा मतलब एवी एयर ऊपर जाएगा, लाइट एयर नीचे आएगा, ये सर्कुलेशन सिस्टम को मिला करके किए. सो ये भी खुश है. एंड उसके बाद में IAS में 95-96 से लेकर के 98 तक GRY स्कीम में एक सेगमेंट था रूरल रोड्स का जो बनाने के लिए पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट, मैं इसको एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ आवर हायर ऑफिसर्स ये मोटिवेशन. और उसके बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स ग्राम पंचायत में आया था एंड वो सारे चीज़ 98 में जब हम ग्रामीण विकास विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किए, उस समय पर मौका मिला भारत सरकार में मीटिंग अटेंड करने के लिए. देन उधर सारे प्रॉब्लम्स में एज ए कलेक्टर, एज ए डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ले आए. सो खुशी की बात है 2001-2002 में PMGSY का रूप में आया. आज एंटायर कंट्री में पक्का रूरल रोड्स हुआ एक कॉन्सेप्ट की वजह से. एंड उसके बाद में 2009 में उसका भी मैं पहले का पूरा एक्सपेरिमेंट करके पक्का थे ट्री प्लांटेशन कैसा करना है. एंड ट्री प्लांटेशन जो सैपलिंग होता है जब प्लांट करे तो वो भी बच्चे का स्वरूप है, उसको भी 3 साल से 5 साल देखभाल करे तो वो 300 साल से 10,000 साल तक वो समाज के लिए सेवा करेगा. ये कॉन्सेप्ट ला करके अल्टीमेटली थैंक्स टू बिहार गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट किया. और उसके बाद में
एल बी एस ने मसूरी लाल बहादुर शास्त्री हम लोगों का आई एस अकेडमी, उन लोगों उसको बेस्ट प्रैक्टिस द कंट्री उसको डिक्लेयर किया। उसके बाद में भारत सरकार टीम स्पेस करके उसको पूरा मतलब स्टडी कराया। सो अल्टीमेटली वो भी नेशनल पॉलिसी हो गया। सो अभी कहाँ भी प्लांट लगाए तो उसको 5 साल तक देखभाल करने का मतलब सिस्टम डेवलप कर दिया, पर्टिकुलरली लीनियर प्लांटेशन रोड के बगल में एंड जो ग्रामीण क्षेत्र का अंदर। सो एंड ऑल्सो जब हम कलेक्टर थे गया में, सो 22 साल पहले 1997 में, एंड उधर भी जो महाबोधि टेम्पल जो है 1988 से वो प्रोजेक्ट सो डेड पड़ा हुआ था, क्योंकि उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट महाबोधि टेम्पल के लिए मतलब रीडेवलपमेंट के लिए चाहिए था फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोई भी नहीं लाया था, लेकिन हम परस्यू किए। सो उसको ले करके उसको प्रोजेक्ट को मतलब सैंक्शन करवा करके सो आज एंटायर महाबोधि टेम्पल भी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट हो गया, एंड टुडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उधर हो गया। सो ये सारे चीज़ हमारे करियर में हम किए। सो अभी जो ये रीजनरेशन ऑफ सेल थेरेपी जो डेवलप किए गए हैं, ये इट्स वेरी यूनिक है। अभी वर्ल्ड में मैं कहता हूँ ये साइंस ऐसा नहीं है, क्योंकि इन एलोपैथिक साइंस एक बार किडनी फेलियर हुआ तो बस, और उसको या डायलिसिस में रहना या किडनी ट्रांसप्लांट होना। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो भी उसको ये नहीं कह सकता है कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा, लेकिन उसको हम वैदिक लिटरेचर का आधार पर जो में हर्बल कंपाउंड्स में डेवलप किए गए हैं, और ये जो है जो एलोपैथिक साइंस में किडनी का ग्लोमेरुलस कैपिलरी फिल्ट्रेशन जो रिजिनेवेशन मतलब नहीं हो सकता है, एक बार डैमेज हो तो परमानेंट डैमेज, वो भी रीजनरेट करने के लिए मतलब ये हर्बल कंपाउंड्स एंड जो डाइट में डेवलपमेंट किया गया है वो उपयोग होता है। लेकिन हमारा कहना है इवन हर्बल कंपाउंड्स हमारा नहीं लिए तो भी सिंपली प्रॉपर डाइट फॉलो करे तो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स में जो कहा है ये करे तो भी बहुत ही रिलीफ मतलब पेशेंट को मिलेगा। सो मतलब ये नहीं है कि मतलब वो जो मिरेकल ड्रिंक्स लेने का बाद ही मतलब ठीक होगा, ये भी नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी बहुत चीज चेंजेस होता है। एंड उसके बाद में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो मार्केट में इनिशियली आया था कि ट्रेडिशनल मार्केट में और ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा था, एंड उस समय पर हम जब ब्रह्म कुमारी इंटरनेशनल माउंट आबू को भी मैं जाता हूँ कभी कभी, और उधर भी 20-25 हज़ार आदमी को डायमंड हॉल में रिगार्डिंग लाइफस्टाइल और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के बारे में और डाइट के बारे में लेक्चर देता हूँ, और उसी दरमियान बहुत आदमी उधर हमारा मिरेकल ड्रिंक्स हर्बल कंपाउंड्स देख करके बहुत इनक्यूरेबल हेल्थ डिसऑर्डर्स हार्ट का हो गया, किडनी थायराइड इत्यादि से और घुटने का प्रॉब्लम से मुक्त हुआ था। और उन लोगों हमको प्रश्न पूछा कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ ई कॉमर्स में है, गांव में आम आदमी इस प्रोसेस से लेना बहुत ही मुश्किल है, इसको क्यों हर दुकान में मिलने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकता है, इत्यादि प्रश्न पूछा। देन मैं कहा कि ये स्टेटस है, ये जो एक मानव कल्याण के लिए लाने के लिए इसको मतलब ले आया है, लेकिन इसमें करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट में डाल करके ये करने का सक्षम जो कंपनी को
में फॉर्मूला दिए उससे नहीं हो सकता है, ये बोलने की वजह से उन लोग कहा कि ऐसा रहे तो ह्यूमन कनेक्टिविटी जो नेटवर्किंग में नहीं ला सक क्यों नहीं ला सकता है, ये कहा। सो देन फर्स्ट रिएक्शन को कहा नेटवर्क का मतलब ये गरीब को खून चूसने का है, खराब प्लान देख करके, क्योंकि मैं जब कलेक्टर एंड कमिश्नर थे बहुत कंप्लेंट आता था, ये सुनते थे। देन उन लोग कहा कि इधर क्या है कि कंपनी खुद प्रोडक्शन कर रहा है और इतना अच्छा प्रोडक्ट है और बेचारे वो नेटवर्क लीडर्स की गलती कहाँ है। सो उन लोगों का गलती नहीं है, कोई कंपनी की गलती है, इसलिए आप वो प्री कंसीव्ड लेकर के नेटवर्किंग में ना लाना चाहिए, ऐसा आप नहीं सोचना है, ये जन कल्याण का काम है, ये कहा। देन बाद में देखे कि नेटवर्क का लीडर्स रियली एंजल्स हैं, क्योंकि जो रिमोट एरिया, एक उदाहरण बताएंगे यूपी का चित्रकूट में, रिमोट एरिया में जो लकवा पेशेंट पैरालिसिस पेशेंट को 2 सप्ताह का अंदर ही मिरेकल ड्रिंक्स थेरेपी से ठीक किया गया था, हम भी गए थे उधर उनको देखने के लिए। सो इसी तरह से इधर कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में एक पेशेंट लगभग 4.5 साल से पिसा और पार्टी का उधर ही है, सो कोई दूसरा आदमी उसको रिमूव करना चाहिए था, ऐसा स्टेटस में था लकवा पेशेंट, लेकिन वो पेशेंट्स 1 सप्ताह का अंदर विद सपोर्ट जाने लगे और 2 सप्ताह के अंदर ऑलमोस्ट सपोर्ट लेकर के मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली टॉयलेट जाने लगे। सो इस तरह से जो भी काम किया कि जो यही लीडर्स काम किया, सो मतलब इन लोगों क्या है कि दे आर लाइक एंजल्स में कह सकता हूँ, क्योंकि हर जगह में इन लोगों का ह्यूमन कनेक्टिविटी रहता है। सो देन मैं इसको ले आने के लिए कंपनी से ये किए, सो अल्टीमेटली लाया। सो आज एंटायर कंट्री में ऐसा है कि ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख मतलब पर्संस को एटलीस्ट 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ इनकम आने का संभावना इस साल है, मतलब इतना मतलब इफेक्टिवली इन लोगों काम कर रहा है, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, या शुगर प्रॉब्लम हो, या किडनी फेलियर हो, या हार्ट फेलियर हो, या जो भी हो, लेकिन ये ताकत हमारा इंडिया का जो आयुर्वेदिक का ताकत ऐसा है कि इसको मैं आपको और 1 मिनट बताऊंगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी कहा है कि हमारा जो आयुर्वेद एक पर्टिकुलर मतलब सिम्टम को ट्रीट करने के लिए नहीं है, तो होल बॉडी को, यही इसमें है। कैसा है कि आप किडनी के लिए ट्रीटमेंट दिए तो उससे शुगर भी कंट्रोल आ जाता है, बीपी भी कंट्रोल आ जाता है, नींद आता है, बॉडी पेन खत्म होता है, बोन क्लियरेंस होता है इत्यादि। सो इसलिए मतलब अभी इसको इसमें लाया है। सो कैसा मैं 1 day 1 crore प्लांटेशन करके 2009 में दुनिया को दिखाए, अल्टीमेटली बीबीसी द्वारा इंडियन प्लांटिंग गुरु कहा, इवन ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब भी ये कैसा में फेस्टिवल के रूप में ट्री प्लांटेशन किया, उसको उनका किताब टारगेट 3 बिलियन में भी लिखा है। सो इसलिए अभी जो है आप लोगों को मतलब नेटवर्क का मतलब एंजल्स, सो कैसा इंडियन प्लांटिंग गुरु कहा है, इसी तरह से इसमें MLM गुरु ऐसा कहा करके आप लोगों को हजारों परिवार और लाखों परिवार को इस मिरेकल ड्रिंक्स का उपयोग करा करके एम्प्लॉयमेंट देना है। साथ साथ में जो भी मिरेकल ड्रिंक्स ले लेगा और उन लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए, अभी मानसून सीजन आ रहा है, एटलीस्ट एक मोरिंगा का ट्री प्लांटेशन लगाए, क्योंकि मोरिंगा पत्ता से अत्यंत मतलब न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है। सिमिलरली जामुन लगाए, पीपल लगाइए, नीम लगाए, कुछ भी घर में दवा नहीं रहे तो ये पत्ता उबाल करके 3-3 पत्ता 200 ml में खाली पेट में पिए तो बहुत ही रिलीफ मिलेगा। सो ये करके मैं सबको शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों मतलब
अच्छा स्वास्थ्य कैसा देना है उसको आप लोग मोटिवेशन करना है थ्रू मेडिटेशन प्राणायाम एंड दिस यू नो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स फ्लैक्स डाइट एंड ट्री प्लांटेशन. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. संभवतः आयुष मंत्रालय भारत सरकार के इतिहास में पहली बार माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री श्रीपद यसो नायक ने 11 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली के संविधान क्लब में उत्पादों का शुभारंभ किया. Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Dr. Ravindra Babuji, Honorable Member of Parliament. Dr. D.C. Katoji, Advisor Ayurveda.
मिस्टर आदित्य पंचोली जी, फिल्म एक्टर, मिसेस जरीना वहाब जी, फिल्म एक्टर, एंड वेरी वार्म वेलकम टू लॉन्चिंग सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मालूर फ्लोरा एंड हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड. दिस प्रोडक्ट हैव बीन इन्वेंटेड बाय श्री एस एम राजू जी, एन आईएसएफ ऑफिसर हिमसेल्फ, based on the fundamentals of Vedic literature and is a product promoting wellness. It is interesting to know that he was driven for this research to find cure for life-threatening ailment of his father and son. मैं राजू जी के लिए दिनकर की दो पंक्ति कहूंगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है. आज उन्होंने ये साबित कर दिया. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने, जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया. तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ. ये कोई बड़े हस्ती के साथ, अब विभाग के मंत्री हैं वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं. वो बोलेंगे अपनी बात. तो ये एक बहुत सुखद अवसर है क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डैश पर जमा किया, कोई हो या ना हो, दो चार पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम चार पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े, इधर भी होंगे. अब तो दवा दे नहीं रहे हैं, एक हफ्ता से मैं मांग रहा हूँ दवा, ये दे ही नहीं रहे हैं. पता नहीं मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है क्या है इनका. तो मैं आज के अवसर पर केवल राजू जी को ये कहूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद से पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है, बंदे बता तेरी. बहुत बहुत धन्यवाद.